बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आयशाज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन स्टिक्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती हैं, इनको बनाना बहुत ही आसान है। आप बच्चों के लिए या मेहमानों के लिए घर में झटपट तैयार कर सकते हैं, तो चलें तैयार करते हैं। चिकन स्टिक्स तैयार करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनमें हमने ब्रेस्ट बोनलेस लिया है जो कि हमने क्यूब्स में कट कर लिया है, ब्रेड क्रम्स, मैदा, अंडा, स्क्यूअर, दूध, ऑयल, सोया सॉस, क्यूमिन पाउडर, पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप कनौट क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाला, लेमन जूस और चिली सॉस शामिल हैं। चिकन स्टिक्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, पेपरिका पाउडर डाल देंगे, चिकन पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और जीरा पाउडर डाल देंगे। अब हम अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के हमने इसको स्पाइसेस के साथ मिक्स करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम सोया सॉस डाल देंगे, लेमन जूस डाल देंगे, चिली सॉस डाल देंगे और ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन की हमने अच्छे से मैरिनेशन कर दी है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो गए और चिकन बहुत ज़बरदस्त मैरिनेट हो गया है। अब हम स्क्यूअर्स लेंगे और इसके अंदर चिकन के पीसेस को हम सेट कर लेंगे। ऐसे आप डालते रहें और थोड़ा सा आपने गैप रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको स्टिक नहीं करना दूसरे पीस के साथ। ऐसे हम ये देखें और अब हम ये पीस लगा के ये देखें ऐसे सेट करके रखते जाएंगे। ये थोड़ा सा गैप भी है, ऐसे हम स्क्यूअर्स पे चिकन पीसेस को सेट करके रखते जाएंगे। चिकन के पीसेस को हमने स्क्यूअर्स पे अच्छे से सेट कर लिया है, ये देखें। अब हम इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर देंगे। इसको अच्छे से साथ साथ मैदे पे रोल करें ताकि सब पीसेस के ऊपर मैदे की कोटिंग हो जाए। तो इसी तरीके से हम सब पीसेस के ऊपर मैदे की कोटिंग करके रखते जाएंगे। चिकन के पीसेस पे हमने मैदे की कोटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने अंडे के अंदर नमक और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे और साथ हम दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के पीसेस पे पहले अंडे की कोटिंग करेंगे, उसको आप रोल करते जाएं और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। और इस तरीके से हम कोटिंग करके रखते जाएंगे। चिकन स्टिक्स को हमने कोटिंग कर ली है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। आप इस स्टेज पे आके चिकन को फ्रीज भी कर सकते हैं और 2 वीक्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब ये फ्रीज हो जाए तो आप इनको एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। चिकन स्टिक्स को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है और ऑयल को चेक करने के लिए हम स्टिक डाल के देखेंगे। इससे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ऑयल परफेक्ट गर्म है फ्राई करने के लिए। तो हम 1 by 1 करके चिकन स्टिक्स को अंदर डालेंगे। आपने फौरन डालते सारी इसको हिलाना नहीं है कि आपकी कोटिंग जो है उतर सकती है।
और हीट को हमने मीडियम पे ही रखना है ताकि चिकन अच्छे से अंदर से गल जाए और ऊपर से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तीन से चार मिनट हो गए हैं, चिकन की एक साइड डन हो गई। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। और दूसरी साइड को भी हम तीन से चार मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तीन से चार मिनट हो गए, माशाल्लाह चिकन स्टिक्स बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो गई हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऐसे खुशबू आ रही है जैसे रेस्टोरेंट से खुशबू आती है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब आप इसको ईद पर मेहमानों के लिए, बच्चों के स्नैक के लिए बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।